दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रोफेसर आर के शाक। मुझे ऐसा लगा कि एक आवश्यक जानकारी आपको एक वीडियो बनाकर देनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये पॉलिटेक्निक के बारे में बताना चाहता हूँ कि 10th क्लास के बच्चे के लिए पॉलिटेक्निक कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको बीटेक करना चाहिए या पॉलिटेक्निक करना चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा इसके माध्यम से, डिप्लोमा या बीटेक। और ये पॉलिटेक्निक कैसे होगा, तो पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसकी जो डेट है वो 8 जनवरी से लेकर 29 फरवरी तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसके बाद कोई भी फॉर्म नहीं भरा जाएगा और बिना एंट्रेंस एग्जाम के किसी बच्चे का पूरे प्रदेश में पॉलिटेक्निक में एडमिशन नहीं होगा, बीटेक में हो सकता है। तो ये कंपेरेटिव स्टडी भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। जो बच्चे 10th क्लास में है, अभी जो 10th क्लास में है, उनके पास में अपॉर्चुनिटी है कि वो पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे। ये एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म निकला हुआ है और उनको पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या मिलेगा, एक वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा 10th क्लास वाला अगर पॉलिटेक्निक करना चाहता हो तो पॉलिटेक्निक 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। 3 ईयर का ये डिप्लोमा कोर्स होगा। इस जो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको वो जूनियर इंजीनियर का मिलेगा। इसके माध्यम से हमारा जो संस्थान का फीस है 25,000 रुपये पर ईयर है। टोटल 75,000 रुपये में आपका पॉलिटेक्निक का कोर्स हो जाएगा। ये पूरा फीस है, एग्जामिनेशन फीस भी इसमें शामिल है। और 3 साल के बाद आपके बच्चे की जॉब है वो 18,000 से 20,000 रुपये पर मंथ की लग जाएगी। और इसके बाद में आपका बच्चा डायरेक्ट बीटेक के लिए, बीटेक सेकेंड ईयर के लिए एलिजिबल हो जाता है। उसको अगर बीटेक में एडमिशन लेगा तो बीटेक सेकेंड ईयर में चला जाएगा। ये जो पॉलिटेक्निक का कोर्स है ये इक्विवेलेंट टू इंटरमीडिएट है। जो बच्चा 10th के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेगा उसको इंटरमीडिएट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसके समकक्ष है। इसके बाद पॉलिटेक्निक वाले बच्चे का सेकेंड ईयर बीटेक में एडमिशन होगा और मात्र 3 साल के अंदर बच्चा बीटेक कर सकता है। और हमारी तरफ से, हमारे संस्थान की तरफ से एक फैसिलिटी ये भी होगी कि बच्चे को हम ऑन जॉब ट्रेनिंग मींस जॉब के साथ हम बीटेक करा सकते हैं, वो भी 3 साल के अंदर। और बीटेक करने के बाद बच्चे का 30,000 से लेकर 35,000 रुपये पर मंथ का सैलरी हो जाएगा। और विद इन 3 ईयर्स जब वो बीटेक कर रहा होगा बच्चे ने 6-7 लाख रुपये का अर्निंग भी कर लिया होगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। जब तक बच्चा बीटेक करेगा और तब तक वो 6 से 7 लाख रुपए की कमाई कर चुका होगा। और विद इन 6 ईयर इन 6 सालों के अंदर बच्चे के पास 2 सर्टिफिकेट्स होंगे, 3 साल का एक्सपीरियंस भी होगा इसमें, 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होगा, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होगा और बैचलर डिग्री। बच्चा स्नातक इंजीनियर बन चुका होगा, बैचलर इंजीनियर बन चुका होगा। तो आप देखेंगे यहां अगर 10th के बाद अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो 6 साल में उसके पास 2 सर्टिफिकेट्स होंगे, एक पॉलिटेक्निक का होगा, जूनियर इंजीनियर का होगा। जो हमारा जो स्टेट का जो गवर्नमेंट के जॉब निकलते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के जो जूनियर इंजीनियर के जॉब निकलते हैं, उसके लिए एलिजिबल होगा। जबकि डायरेक्ट बीटेक करने वाला बच्चा जो स्टेट गवर्नमेंट के जूनियर इंजीनियर के जॉब है उसके लिए एलिजिबल नहीं होता है, वो उसका एग्जाम नहीं दे सकता है। केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब ही दे सकता है 12th वाला, मैं अभी बताऊंगा उसमें, आप लोग देखेंगे। दूसरा, जो पॉलिटेक्निक करेगा बच्चा उसके पास में 6 साल का टेक्निकल एक्सपोजर होगा। 3 साल वो बीटेक में पढ़ेगा टेक्निकल और 3 साल डिप्लोमा लेवल पर पढ़ेगा। जबकि एक तरफ ये सिनेरियो है जो बच्चा जनरली करते हैं, ज्यादातर लोग करते हैं कि पहले 10th के बाद में वो 12th कर लेते हैं, इंटरमीडिएट करते हैं। और इंटरमीडिएट करने में 2 साल में उनको कुछ भी नहीं मिलता और 12th करने के बाद वो डायरेक्ट बीटेक में एडमिशन लेते हैं। और जब 12th करते हैं तो उसके बाद जब बीटेक में एडमिशन लेते हैं तो ये बीटेक का कोर्स 4 साल का होता है। और आप देखेंगे कि 2 साल में इंटरमीडिएट, 4 साल में बीटेक होता है, टोटल 6 साल लगते हैं। और 6 साल के अंदर जो यहाँ पर बच्चे को ज्ञान होता है या जो बच्चे को मिलता है वो क्या होता है, 4 साल के बाद एक बीटेक की डिग्री और एवरेज 1.5 लाख का पर ईयर का फीस होता है। यहाँ पर जितने भी कॉलेज हमारे NCR में सभी की फीस लगभग लगभग 1.5 लाख रुपए है, तो 4 साल की फीस 6 लाख रुपए फीस भी पे करनी पड़ती है। और यहाँ पर जो सैलरी है वो 20,000 से लेकर 30,000 पर मंथ मिल सकती है। बीटेक में जॉब की भी थोड़ी दिक्कत रहती है, तो इसीलिए हो सकता है बच्चा रोड पे भी खड़ा हो, ऐसे भी चांस बनते हैं। और 6 साल के बाद फिर बच्चे को क्या मिलेगा, 6 साल के अंदर ही बच्चे को कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई इनकम नहीं,
केवल वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए एज ए बैचलर इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के लिए एलिजिबल है, और बाकी सर्टिफिकेट केवल एक ही डिग्री मिलता है, केवल 4 साल का ही टेक्निकल एक्सपोजर होता है, जबकि डिप्लोमा 10th के बाद करता है बच्चा तो उसे 6 साल का टेक्निकल, डेढ़ गुना वो ग्रूम हो चुका होता है। तो कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम क्रैक करने के लिए या कहीं भी इंडस्ट्री में जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए बच्चा ये जो 10th के बाद करता है उसको डेढ़ गुनी ज्यादा नॉलेज होती है। और फीस की बात करें तो ये बच्चा मात्र जो है हमने कहा कि हमने अगर हमारी तरफ से बच्चा जाता है तो उसका जो बीटेक का डिग्री है वो भी हम केवल 1 लाख रुपए में कराएंगे। हमारा एक संस्थान है सोनीपत में, वहां पर हम उसको केवल 1 लाख रुपए में पूरा बैचलर डिग्री देंगे। अगली बात करें हम एक स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप फैसिलिटी भी है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से। अगर बच्चा पॉलिटेक्निक करता है तो उसका जो शासन के द्वारा फीस निर्धारित है ट्यूशन फीस है वो 33,600 है और करीब 3,500 रुपए उसको स्कॉलरशिप के रूप में मिलता है। टोटल जो अमाउंट मिलता है वो 6,100 रुपए बच्चे को मिलता है। अगर बच्चा काउंसलिंग के माध्यम से आता है तो उसको इतना अमाउंट मिल जाता है, तो इतना अमाउंट मिलता है और 25,000 रुपए केवल फीस के रूप में देना पड़ता है। 95% बच्चों को स्कॉलरशिप आ जाती है जो बच्चे काउंसलिंग से आते हैं, जबकि डायरेक्ट एडमिशन में नहीं आती है। तो ऐसा गवर्नमेंट का रूल है, तो जो बच्चा पॉलिटेक्निक करेगा उसके लिए बहुत ही अच्छा ये गेम है, और यानी उनके लिए एक विन-विन सिचुएशन है। और ये करने के बाद आप लोगों को जैसे हमने पहले ही बताया ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, ये फी है। जब बच्चा फॉर्म हमारे संस्थान की तरफ से भरेगा तो 50% हमने फी में कंसेशन दिया है। जहां फीस 300 रुपए लग रही है वो 150 रुपए उसको भरनी होगी, और जहां फीस 200 रुपए SC ST के बच्चों को लग रही है, ये आप देखेंगे जनरल OBC और EWS और इनकी फीस 300 रुपए है जो अगर आप डायरेक्ट पोर्टल से भरेंगे तो, और हमारे संस्थान की तरफ से भरेंगे तो आपको इसका जस्ट 50% देना पड़ेगा। SC ST केस में 100 रुपए, OBC और जनरल और EWS के केस में 150 रुपए देना पड़ेगा। और आप इस तरीके से ये फॉर्म एंट्रेंस एग्जाम का भर सकते हैं और इसके बाद काउंसलिंग के माध्यम से आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आवश्यक जानकारी मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको दी है। थैंक यू वेरी मच।